उन्होंने ये बोला था कि अगर मेरे घर से लड़की लेके जाओगे तो सबसे पहले बैठ के यहाँ पे हुक्का पीना पड़ेगा। वृंदावन में यही एक मंदिर है जहाँ ठाकुर जी हुक्के का भोग लगाते हैं, हुक्का पीते हैं, हुक्का पीते हैं सुबह शाम। ठाकुर जी हुक्के का भोग लगाया था, हुक्का और पान, भोजन के बाद पान और हुक्का दोनों समय ठाकुर जी को चाहिए। वृंदावन बिहारी यहाँ पर ऐसे ही है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ठाकुर जी है कि सिर्फ यहाँ पर ही ठाकुर जी जो है हुक्के का इनको भोग लगाया जाता है। कभी अभी तक नहीं हुआ, जैसे पुराना प्राचीन जो स्वरूप है इस मंदिर का वही स्वरूप अभी भी यहाँ पर है। पुराना जैसे मंदिर जैसे था, मंदिर था वैसे ही है, वैसे ही पीठ चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही। देखिए वृंदावन के परम प्राचीन मंदिरों में से एक है। मैं तो कहता हूँ कि 100% में से 90% लोग तो जानते ही नहीं इस मंदिर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित ब्लॉग्स। आपको मैं बता दूं, आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूं जिसके बारे में जब मुझे पता चला था तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ था। मैं हूं इस टाइम पर वृंदावन में। आज मैं आया हूं ठाकुर श्री जमाई विनोद के यहाँ पे दर्शन करने। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण की क्या लीला रही है, अंदर आपको लेके चलूंगा, सारी कथा जानेंगे। आज मेरे साथ हैं आशु जी। राधे राधे आशु जी। जी राधे राधे जी। तो ये श्री धाम वृंदावन का बड़ा ही अद्भुत मंदिर है जहाँ पर श्री ठाकुर जी आज भी हुक्का का पान करते हैं। हुक्का उनके सामने रखा जाता है और ठाकुर जी हुक्के का पान करते हैं। तो ये वृंदावन में ही है, अंदर परिक्रमा के अंदर, और बांके बिहारी से जस्ट 10 मिनट की दूरी पर है। तो आप यहाँ कभी आना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि ठाकुर श्री जमाई विनोद जी जो कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के जस्ट पीछे में है और जयपुर मंदिर के जस्ट सामने में है। तो जब कभी आप आना चाहें तो ई रिक्शा आप करके आ सकते हैं यहाँ पर। ठाकुर श्री जमाई विनोद जी जयपुर मंदिर के जस्ट सामने वाली गली में है और अंदर चल के और भी लीला यहाँ की जानेंगे। मेन द्वार मैं आपको बता दूं, यहाँ से एंट्री है इस मंदिर की, और अंदर लेके चलता हूँ आपको मैं पहले। चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगी हुई है मेन द्वार पे जाली, तो जिससे आप को मैं भी वैसे पास से दर्शन कराऊँगा, समीप से कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट देने की आपको रिजल्ट। और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जिसे कहते हैं दर्शन के लिए बनाया हुआ है, तो मैं आपको यहीं से समीप से दर्शन कराता हूँ अभी। बताना चाहूंगा यहाँ पे हमारे साथ है मुख्य पुजारी जी मंदिर के, राधे राधे महाराज जी। अपना शुभ नाम बताइएगा महाराज जी। ब्रजमोहन महाराज जी, यहाँ की क्या लीला है ठाकुर जी की, ये इसके बारे में आप हमें बताइएगा। ये वृंदावन बिहारी हैं और
ठाकुर जी वृंदावन बिहारी वृंदावन से चल के ढाका गए थे। ढाका में एक पापना नदी है, वहाँ से ठाकुर जी उत्पन्न हुए हैं। वहाँ पे एक छोटा सा लीला किया है इन्होंने। ये वांछाराम चक्रवर्ती ब्राह्मण थे इनके। ये जो राजा देख रहे हैं बनवारी राय बहादुर, इनकी लड़की के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ था, इसीलिए ठाकुर जी को अभी भी यहाँ वृंदावन में ब्रज में जमाई भाव से और जमाई रूप से इनको रखा जाता है और जमाई भाव से इनकी सेवा पूजा की जाती है। तो वृंदावन बिहारी का लीला ऐसा है कि जब राजा की कोई लड़की नहीं थी तो ठाकुर जी के आशीर्वाद से यही पुत्री हुई थी जिनका नाम है राधा विनोदिनी। राधा विनोदिनी नाम से इनका संबोधित हुआ है। तब ये राजा के जो पिताजी थे आवर भूषण राय बहादुर जी, उन्होंने ये बोला था कि अगर मेरे घर से लड़की लेके जाओगे तो सबसे पहले बैठ के यहाँ पर हुक्का पीना पड़ेगा। तो हुक्की की प्रथा तब से अब तक चली आ रही है और ठाकुर जी को यहाँ सुबह शाम राजभोग के बाद हुक्का और रात्रि शयन के बाद हुक्का लगाया जाता है। तो ठाकुर जी ने, राजा के पिताजी ने ये बोल दिया था कि मेरे घर से लड़की लेके जाओगे तो पहले बैठ के हुक्का पीना पड़ेगा। तभी से ठाकुर जी के हुक्के का स्वागत है यहाँ पर। वृंदावन बिहारी यहाँ पर ऐसे ही हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ठाकुर जी हैं कि सिर्फ यहाँ पर ही ठाकुर जी जो है हुक्के का इन पर भोग लगाया जाता है। तो जो हम सामने हुक्का देख रहे हैं ये ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रखा हुआ है हुक्का? जी हाँ, ये सुबह शाम हुक्का भोग लगाया है। तो मैं वैसे पहली बार हम सुन रहे हैं कि ठाकुर जी को इस प्रकार की सेवा होती है। जी हाँ। तो ये सेवा कितना मतलब कब से चलती आ रही है सेवा? ये सेवा कम से कम 500 वर्ष हो गया है जब से ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं, तब से यहाँ पर जो ठाकुर जी को हुक्के का भोग लगाया जाता है। तो और ये मंदिर भी इतना ही प्राचीन मंदिर, पुराना ही प्राचीन मंदिर है ये वृंदावन में, यही एक मंदिर है जहाँ ठाकुर जी हुक्के का भोग लगाते हैं, हुक्का पीते हैं। हुक्का पीते हैं सुबह शाम ठाकुर जी को हुक्के का भोग लगाया जाता है। हुक्का और पान, भोजन के बाद पान और हुक्का दोनों समय ठाकुर जी को चाहिए। और यहाँ पे जो हम विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, वैसे बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन हो रहे हैं विग्रह के हमें। ये जमाई है बिल्कुल, आप इनको देखिएगा तो बिल्कुल जमाई भाव से ही इनको देखा जाएगा। और जमाई भाव से देखिए, जैसे जमाई रूप में ठाट में बैठते हैं उसी जगह जमाई की तरफ बैठे हुए हैं, हमेशा ठाट में बैठे थे जमाई से, जैसे जमाई का सत्कार किया था। यहाँ बिल्कुल ठेठ है, कुछ नहीं है, पहले हमको पहले जमाई बन के रहना है यहाँ पर पूरी तरह से, जैसे जमाई को रखा जाता है घर में सत्कार के साथ, मतलब हाँ पूरी जबरदस्ती जोरदार ही है कि हाँ ऐसे ठाट में बैठे रहेंगे। तो वो ही जोरदारी से ठाकुर जी या जमाई भाव से बैठे हुए हैं और जमाई भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है। ललिता विशाखा सखी है दोनों साइड में। अच्छा, दोनों तरफ में सखियां हैं भगवान के? ललिता और विशाखा सखी, ललिता और विशाखा। ये जो है राजा है, राजा ने अपने ही राजमहल में रखा सत्कार करके, इसको छोड़ के कहीं मत जाओ। राजा ने खुद ने अपने महल में राज मंदिर बनाया और ठाकुर जी को जमाई भाव से वहीं पर रखा कि आप जमाई हैं हमारे घर के, हम आपको अपने सत्कार से रखेंगे इसी जगह। तो ठाकुर जी अभी भी उनके घर में जमाई बन के बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर आपने जैसे कहते हैं यहाँ पे लीला बताई, और हम तो जैसे कहते हैं एक बार मैं समीप से भी देखना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा साथ में, कि जो आप सामने ये हुक्का देख रहे हैं, बल्कि आपको मैं इस यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये सामने हुक्का देख रहे हैं आप, ये भगवान को यहाँ पे भोग लगाया जाता है जब भोजन का उनको भोग लगता है, यानी कि सुबह शाम को जब भोग लगाया जाता है उनको, उसके बाद ये हुक्के और पान का भी भोग लगाया जाता है। जी हाँ, सुबह शाम हुक्के पान का भोग लगाया जाता है। मंदिर का यहाँ पे जीर्णोद्धार यहाँ पे कितनी बार हो चुका है इसके बारे में आप हम बताइए? जीर्णोद्धार तब से कभी अभी तक नहीं हुआ है। जैसे पुराना प्राचीन जो स्वरूप है इस मंदिर का, वही स्वरूप अभी भी यहाँ पर है। ये यानी कि 500 साल पुराना जैसे मंदिर जैसे था, मंदिर था वैसे ही है, वैसे ही है, पीठ चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही है, वैसे ही है। तो वैसे देख कर ही एक अलग ही अनुभूति हो रही है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि देख रहे हो अभी जो छत है मंदिर की, जो छत है कम से कम देखने से प्रतीत होता है कि 20 फीट के आसपास की छत लगती है, बहुत हाइट में ये। और जिस प्रकार मैं यहाँ पे आके मैंने जो दर्शन करे हैं, जो अनुभूति मुझे यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा आप सभी को कि मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी है और ये दर्शन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के, जहाँ पे वो जमाई राजा की तरह बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कहते हैं ना जिस प्रकार जैसे कि पुजारी जी ने बताया, बिल्कुल आराम से बिल्कुल जम के यहाँ पे रहते हैं, जिस प्रकार की जमाई को रखा जाता है उसी प्रकार यहाँ पे उनकी सेवा होती है। इसलिए यहाँ पे आपने जो दर्शन करे हैं हुक्के के, वो उनको यहाँ पे भोग लगाया जाता है, यानी कि उनकी सेवा में जाता है। जब उनको जब भोजन सुबह शाम का जो उनको जैसे कहते हैं प्रसाद दिया जाता है, उनको भोग दिया जाता है, उसके बाद उनको हुक्के का और पान का सेवन भी कराया जाता है। जहाँ पर मैं आज आया हूँ ये स्थान मैं आपको बताना चाहूँगा, वृंदावन का अनसीन प्लेसों में से ये आता है। यहाँ के दर्शन हो सकते हैं आपको चैनल पे यूट्यूब पे और भी मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में जो दर्शन आज हुए हैं हमें और जिस प्रकार आपने जो कथा का आनंद लिया है वो शायद किसी ने कवर किया होगा, और ये आपको यहाँ पे चैनल पे दर्शन हो रहे हैं हमारे। कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए अनसीन प्लेस लेके आऊँ, और आगे भी दर्शन अगर प्रभु की कृपा हुई ऐसे अनसीन प्लेस में लेके आता रहूँगा आप सभी के लिए। ये देखिए वृंदावन के परम प्राचीन मंदिरों में से एक है, और जब कभी आप वृंदावन आए तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। मैं तो कहता हूँ कि 100 में से 90% लोग तो जानते ही नहीं इस मंदिर के बारे में,
यहाँ आए, दर्शन करें, बैठे, भजन कर सकते हैं। कितनी शांति का यहाँ माहौल है, देखिए कितना सुंदर वातावरण है। और भगवान कितने, मतलब ये मानिए कि कितना परम प्राचीन ये मंदिर है। ठाकुर जी यहाँ जमाई, जमाई का मतलब होता है दामाद, यानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात दामाद बन के बैठे हैं। और एक दामाद जब ससुराल में जाते हैं तो उनके क्या ठाट वाट रहते हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ठाकुर जी ठाट में हैं बिल्कुल। ये जो आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं, देखिए इधर में लाल जी विराजमान हैं, उधर श्री राधा विनोदनी जी विराजमान हैं, और इधर में ललिता सखी, उधर विशाखा सखी विराजमान हैं। और जिनके जो जमाई हैं, देखिए वो जमाई राजा, जिनके जमाई दामाद बन के बैठे हैं वो भी विराजमान हैं, देखिए चित्रपट स्वरूप में। और सुंदर हुक्के के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी पूरे संसार में ऐसा दर्शन नहीं है जहाँ ठाकुर जी हुक्का पीते हैं। तो जब कभी आप आएंगे यहाँ तो बहुत प्राचीन दर्शन है। और आप किसी भी ई रिक्शा वाले को बोल सकते हैं कि जयपुर मंदिर के सामने जाना है, राधा, श्री राधा विनोद बिहारी जी का मंदिर है, श्री राधा जमाई विनोद जी, तो आप यहाँ आकर के खूब दर्शन कर सकते हैं, खूब भजन कर सकते हैं। राधे राधे। ये है ओपन स्पेस यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो। बिल्कुल मंदिर के समक्ष ही ये स्थान है, जो कि यहाँ पे एक जिसे कहते हैं विश्राम के लिए, आप यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सुंदर में बनाया हुआ इस स्थान को। यहाँ पे बहुत आनंद आया दर्शन करके। पहले तो मुझे नहीं पता, मैं तो जब मुझे बताया था आशु जी ने कि यहाँ पे इस प्रकार के आपको दर्शन होते हैं, यानी कि जमाई राजा के रूप में यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं और हुक्का का वो सेवन करते हैं, यानी कि उनको भोग दिया जाता है उस भोग के प्रसाद के बाद में, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब जब यहाँ पे आके मैंने जो दर्शन करे हैं वो सच बताऊँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन पूरे यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने भी यही बताया कि पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसे दर्शन नहीं होते हैं जहाँ पे आपको ठाकुर जी हुक्का पीते हुए आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।
आपको अगर आनंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और आपको यहाँ पे दर्शन करने अगर आप चाहते हैं आप वृंदावन में आके यहाँ के दर्शन करना, क्योंकि ये भी स्थान लोगों की जिसे कहते हैं पहुँच से दूर है, लोगों को नहीं पता यहाँ के बारे में, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप संपर्क कर सकते हैं हमारे आशु जी को। आशु जी की डिटेल आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वृंदावन गाइड से आशु जी हैं। अगर आप गूगल पर भी टाइप करेंगे www.vrindavanguide.com तो आपको आशु जी की डिटेल मिल जाएंगी सारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर अगर आप दर्शन करने आए तो आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आएं और यहाँ के दर्शनों का आनंद लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे।